नंदन कानन का अर्थ है आनंद उद्यान, गार्डन ऑफ प्लेजर। नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो कि देश के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। इस चिड़ियाघर में प्रवेश हेतु 40 रुपए का टिकट लगता है। सामान के लिए अलग से टिकट काटना पड़ता है। ये मूल्य सामान के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो सफारी के लिए भी अलग से 50 रुपए का टिकट काटना पड़ता है, जो कि आप चिड़ियाखाने के अंदर भी काट सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे प्रत्येक जानवर या जानवरों का झुंड अपने प्राकृतिक वातावरण में घूमता हुआ मिलता है, जैसे शेर, चीता, भालू, गेंडा, सफेद मोर, हाथी, बंदर, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, एमू पक्षी, नील गाय, हिरन, सफेद टाइगर आदि। चंदा का प्राकृतिक जंगल इस चिड़ियाघर के पास होने के कारण लोग यहाँ जीव जंतुओं के साथ प्राकृतिक पेड़ पौधे भी देख सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क परिसर में आप अलग से सफारी के लिए 50 रुपये देकर टिकट लेकर सफारी का मजा ले सकते हैं, जिसमें कि आप अलग से टाइगर के लिए, लायन के लिए, बेयर के लिए और हिरन के लिए सफारी कर सकते हैं, जहां कि आप इन जानवरों को जंगल में खुले घूमते देख सकते हैं। ये चिड़ियाघर चंदा का दंपारा वाइल्डलाइफ सेंचुरी से जुड़ा है। ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। उड़ीसा का ये चिड़ियाघर और बोटनिकल गार्डन 437 हेक्टर जमीन में फैला है, जिसमें झील भी शामिल है। ये चिड़ियाघर 1960 में शुरुआती तौर पर बनाया गया था और 1979 में लोगों के लिए खोला गया। ये भारत का पहला जू है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम से सन 2009 में जुड़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलूंगा दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।